अभिनेत्री कंगना रनौत के 2014 में देश को आज़ादी मिलने के बयान पर अब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला किया है। रोहिणी ने बिना कंगना का नाम लिए दनादन कई ट्वीट कर उन पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि शहीदों की जान जिसे भीख लगती है, फर्जी झांसी की रानी तू देशद्रोही लगती है। दरअसल पद्मश्री से सम्मानित होने के 2 दिन बाद कंगना ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। इसमें एक्ट्रेस ने 1947 में देश को मिली आज़ादी को भीख बताया था। उन्होंने कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान पर भाजपा सांसद वरुण गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी निशाना साधा था। वरुण ने कहा था कि इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोही। वहीं मांझी ने कंगना से पद्मश्री वापस लेने की भी बात कही। आपको बता दें कि रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और कई अन्य ट्वीट में लिखा है कि नया इतिहास लिखा जाएगा, आज़ादी को भीख बताकर अंधभक्तों के पप्पा का गुणगान किया जाएगा। आज़ादी को भीख बताया करती है हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान का अंधभक्तों के पप्पा के गुणगान में चरण वंदना किया करती है। शहीदों का अपमान किया करो, अंधभक्तों के पप्पा से पद्मश्री अवार्ड लिया करो। ये माफी वीर सावरकर के वंशज हैं, आज़ादी को भीख बताकर पद्मश्री अवार्ड पा लेते हैं। ये कौन सी आज़ादी दिलाई तूने, सत्ता के चरण वंदन में दासी का फर्श निभाया तूने। आपको बता दें कि राजद ने कहा 2014 में कथित आज़ादी दिलाने वाले से शादी करा देनी चाहिए। राजद ने भी अपने गुस्सा का इजहार कंगना के बयान पर किया है। राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 2014 में कथित आज़ादी दिलाने वाले से उसी आज़ादी की बदौलत बटर सिस्टम योजना अंतर्गत पद्मश्री प्राप्त करने वाली थेल्ली की शादी करा देनी चाहिए, ताकि उसे 1947 में हमारे क्रांतिकारियों एवं महापुरुषों की सदियों लंबे संघर्ष, त्याग, बलिदान और वीरता से प्राप्त स्वतंत्रता भीख न लगे। शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे राजद के फ्लोवर लगातार कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कंगना के बारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देकर लोग गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शब्दों की मर्यादा भी लोग तोड़ रहे हैं। वहीं सुशांत कुमार ने कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, लोग राजद की भी आलोचना कर रहे हैं। वहीं नितिन ने लिखा है तो क्या समाज में जातिवाद का जहर फैलाने के लिए राजद को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए।